खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों क्या। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। बता दें, देश के सभी जिलों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर में बड़ी चौक पर, सीकर रोड, सांगनेर बस स्टैंड, मानसरोवर, स्वर्णपथ चौराहा पर होगा प्रदर्शन। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल थाना इलाके में एक भाई ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन के घर पर ही डाका डाल दिया। भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां से 1.5 करोड़ रुपए कैश ले उड़ा, लेकिन ये रुपए उससे और उसके दोस्तों को हजम नहीं हो पाए। वे पैसे बैग में भरकर बाइक पर जा रहे थे, लेकिन इस दौरान कष्ट कर रही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को देखकर भाई और उसके दो दोस्त फरार हो गए, लेकिन एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। बता दें, आरोपी की बहन ने जमीन बेची थी, जिसके पैसे उसने अपने घर में रखे हुए थे, और इन्हीं पैसों को गिनने के लिए पुलिस को नोट गिनने की मशीन भी मंगवानी पड़ी। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तीन घोषणाएं की। पुलिस कल्याण निधि के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, और पुलिस उत्सव कोष 2023-2024 की राशि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर तंज कसा। पायलट दौसा में बोले कि मोदी सरकार में खींचतान शुरू हो गई, कई दलों में आशंका है इसकी शुरुआत हो गई है, समय बताएगा कि सरकार कितनी चलती है। पायलट आगे बोले कि जनता ने संदेश दिया है कि दामन प्रतिशोध और भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। राजस्थान में जो परिणाम आए उसके लिए मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, राजस्थान की जनता ने दिखाया उन्होंने 11 सीटों पर उन्हें परिचित किया है। चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहाँ जनता ने, किसानों ने और नौजवानों ने स्पष्ट संकेत दिया है। राजस्थान की उदयपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने मनालाल रावत को एक शख्स ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में सांसद ने पुलिस को सूचित कर मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद से ही साइबर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बता दें, कुछ दिन पहले सांसद ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया था, जब इस इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। इसी के चलते कुछ लोगों ने वीडियो पोस्ट पर ही कमेंट करते हुए सांसद को धमकी दे डाली। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बीते दिन वैष्णो देवी जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले किए जाने की घटना में 10 तीर्थ यात्रियों की मौत से आहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज झालावाड़ में जोरदार प्रदर्शन किया और मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर आतंकवाद का पुतला फूंका। बता दें, हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने जिहादी आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन भी सौंपा। दिल्ली में एक बार फिर ईमेल के दहशत है। इस बार स्कूल, अस्पताल की जगह म्यूजियम को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने ईमेल के जरिए 7-10-15 म्यूजियम में बम होने की धमकी दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये मेल 1-7 म्यूजियम में मंगलवार को आए, जिसमें रेल म्यूजियम भी शामिल है। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफियाओं पर सवाल उठाए और दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, अगर आप टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें, इस लोकसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कनौज सीट से चुनाव जीता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब चुनाव शुरू हुआ तो भाजपा का समर्थन करने वाली मीडिया ने कहा कि उन्हें 400 सीटें मिलेगी। प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे थे, उनके सभी वरिष्ठ नेता 400 पार कह रहे थे, एक महीने के बाद वे 300 पार कहने लगे, कुछ समय बाद 200 पार, और अब सभी ने चुनाव का परिणाम देखा। यह कोई सामान्य चुनाव नहीं था, इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरा मीडिया था, सीबीआई, ईडी और पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के अनुकूल चुनाव की रूपरेखा तैयार की, तमाम प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री वाराणसी में हार से बमुश्किल बच पाए। भाजपा अयोध्या तक में हार गई, भाजपा उत्तर प्रदेश में हार गई। वो इसलिए हारे क्योंकि वो भारत के विचार पर हमला कर रहे थे। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।